हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में स्केटिंग के शौकीनों के लिए अच्छी खबर है। बता दें कि आइस स्केटिंग रिंग लक्कड़ बाजार में सोमवार से शुरू हो जाएगी। रविवार को आइस स्केटिंग रिंग के प्रबंधन द्वारा ट्रायल किया गया, जो कि मैदान पर पूरी तरह से सफल रहा। बता दें कि इस दौरान मैदान पर अच्छी बर्फ की परत जमी हुई है और ट्रायल बिल्कुल सफल होने के बाद सोमवार से सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक स्केटिंग शुरू होगी। हालांकि इस बार मौसम की बेरुखी के चलते देरी से स्केटिंग शुरू हो पाई है, जबकि पहले 10 दिसंबर तक स्केटिंग शुरू हो जाती थी, लेकिन इस बार मौसम के साथ न देने के चलते रिंग में बर्फ नहीं जम पाई थी। वहीं अब मौसम साफ होने के बाद तापमान में कमी आई है, जिसके बाद रिंग पर अच्छी बर्फ जमी है। आइस स्केटिंग रिंग के सेक्रेटरी ने बताया, रिंग में कई दिनों से बर्फ जमाने का काम किया जा रहा था, लेकिन मौसम साथ नहीं दे रहा था। वहीं आज सुबह रिंग में बर्फ की अच्छी परत जमी है और यहां पर ट्रायल भी किया गया है, जो कि पूरी तरह से सफल रहा। आज सुबह आइस की कंडीशन ठीक थी, तो हमने आज सुबह ट्रायल कंडक्ट किया है और वो सक्सेसफुल रहा है, और कल से हम रेगुलर सेशंस शुरू कर देंगे। तो अभी सिर्फ सुबह की स्केटिंग शुरू हुई है, जो सुबह 8 से 10 बजे तक रहेगी, और स्केट्स डिस्ट्रीब्यूशन भी उसी रेंज पे रहेगा। तो जो मेंबर्स हैं हमारे, तब आ सकते हैं और स्केट्स भी ले सकते हैं और स्केटिंग का आनंद भी ले सकते हैं। बता दें कि लक्कड़ बाजार स्थित आइस स्केटिंग रिंग काफी पुरानी है और यहां पर प्राकृतिक रूप से बर्फ जमाई जाती है। खासकर बच्चे बेसब्री से यहां पर स्केटिंग का इंतजार करते हैं। स्कूल में सर्दियों की छुट्टी पड़ने पर सुबह ही बच्चे स्केटिंग करने के लिए यहां पहुंच जाते हैं। वहीं सोमवार से स्केटिंग शुरू होने वाली है, जिसके चलते कल सुबह से ही स्केटिंग के शौकीनों का यहां पर जमावड़ा लगना शुरू हो जाएगा। पंजाब के एसयू टीवी के लिए शिमला से अली की रिपोर्ट।